बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर, इन दोनों के बारे में आज हमने पढ़ना है। तो पहले हम एसी जनरेटर की बात करेंगे कि एसी जनरेटर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो एसी जनरेटर के पहले हिस्से हम देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। सिंगल लूप एसी जनरेटर की हम बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले दो पोल्स, नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं, और नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ लाइंस ऑफ फोर्स इनके दरमियान मौजूद होती हैं, इनकी डायरेक्शन होती है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आपको लूप नज़र आ रहा है, ये सिंगल लूप, और इसके साथ दो रिंग्स भी लगे हुए हैं, ये स्लिप रिंग कहलाते हैं। और ये लूप एक सिंगल लूप है आर्मेचर वाइंडिंग का एक कॉइल, ये वायर है, ये गैल्वेनोमीटर है। ये कार्बन ब्रशेस है। अब इसको चला के देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। जी तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के असूल के मुताबिक इन कंडक्टर में ईएमएफ पैदा होती है। इसमें जो दाएं हाथ का अंगूठा है ये कंडक्टर की हरकत की सिमत को जाहिर करता है। शहादत की उंगली या पहली उंगली जो होती है वो लाइंस ऑफ फोर्स की सिमत को जाहिर करती है, और दूसरी उंगली ये डायरेक्शन बता रही है उस कंडक्टर में पैदा होने वाली ईएमएफ की सिमत का।
जी, तो इसके बाद हम बात करेंगे डीसी जनरेटर की, कि डीसी जनरेटर जो होता है ये कैसे काम करता है। एक सिंगल लूप डीसी जनरेटर में भी सबसे पहले हम पोल्स की बात करते हैं कि दो पोल्स मौजूद होते हैं और इनका फ्लक्स मौजूद होता है। जी, तो ये अब यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो ये एसी जनरेटर से थोड़ा मुख्तलिफ है। इसमें जो सिंगल लूप है उसके साथ आपको दो रिंग्स नज़र नहीं आ रहे हैं बल्कि एक ही रिंग है जिसको दरमियान से काट कर दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। आधा हिस्सा कॉइल की एक साइड के साथ कनेक्ट है और आधा हिस्सा कॉइल की दूसरी साइड के साथ कनेक्ट है। ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। जी, तो ये किस तरह से काम करता है इसको भी चला के देख लेते हैं। इसमें अगर आप गैल्वेनोमीटर की सुई पर गौर करें तो ये ज़ीरो से दरमियान में ज़ीरो पर आती है, फिर एक ही सिमत में बार बार हरकत कर रही है, दूसरी सिमत में नहीं जा रही। इसका मतलब ये है कि करंट इसमें एक ही सिमत में फ्लो हो रही है, यानी डीसी गुजर रही है, डायरेक्ट करंट। एरोज भी आपको जो नज़र आ रहे हैं वो भी एक ही सिमत में आपको नज़र आ रहे हैं, उनकी एम्पलीट्यूड कम या ज़्यादा हो रही है लेकिन उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। इस पोजीशन में जहाँ पर अब कॉइल है, ऊपर और नीचे वाले ब्लू और रेड कंडक्टर, यहाँ पर ईएमएफ इसमें ज़ीरो होती है, लेकिन जैसे ही ये पोल्स के सामने से गुजरेंगे तो इनमें पैदा होने वाली ईएमएफ की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है और गैल्वेनोमीटर की सुई भी हमें बता रही है कि वो वोल्टेज इसमें ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और वहाँ पर मौजूद एरो भी अपनी लंबाई में बढ़ते हुए ये बता रहा है कि इसकी करंट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम इसमें पैदा होने वाली ईएमएफ की सिमत भी मालूम कर सकते हैं और जब ये लाइंस ऑफ फोर्स को ये कंडक्टर्स अमूदन कता करते हैं तो उस वक़्त इनमें मैक्सिमम ईएमएफ पैदा होती है। इस तरह से एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर्स काम करते हैं। उम्मीद है कि यह एनिमेशन आपको अच्छी लगी होगी। इसको देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।